इलेक्शन मोड्रे प्रधानमंत्री 48 जन सांसद प्रधानमंत्री बैठक ओडिशा समेत पश्चिमबंग और झारखंड 48 जन सांसद पीएम मोदी आलोचना करने सहित विजय मंत्र फुंकी केन्द्र सरकार सफलता को लोकों पाखे पहुंचाइबा को प्रधानमंत्री सांसद मानू परामर्श देखते सोमवार आरंभ होता एक बैठक 10 अगस्त पर्यंत चलो एथपाई सांसद को 11 क्लस्टर में विभक्त कर संसद भवन परिसर रे हेबाकु थिपा ए बैठक रे बीजेपी सांसद को गुरुमंत्र देवे मोदी 2024 रे ओडिशा रे 11 लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले ए बैठक बीजेपी पई खूब गुरुत्व बहन करुचे मोदी को मंत्र आधार 2024 लड़े पई रणनीति प्रस्तुत करिवो बीजेपी एथिपई उत्साही दलर सबु सांसद निकट रे इंडिया टीवी सीएनएक्स पक्षर कर जनमत सर्भे ओडिशा रे बीजेडी को 13 एवं बीजेपी को 8 आसन मिली आकलन बीजेडी को 44% एवं बीजेपी को 42% भोट मिली ओपिनियन पोल दावी रही दृष्टि रखी बीजेपी प्रस्तुति आरंभ कर 2024 लड़े बीजेडी एवं बीजेपी मध्य सीमित रु सरकार विरोधी हवार फायदा नेब बीजेपी बोली आशा कर आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल का जो हल किया है पिछले 9 वर्ष में लोगों को सहायता दी है इन मुद्दों को लेकर आम नागरिकों के बीच में हमको जाना है सीधे सीधे उनसे प्रगाढ़ संपर्क स्थापित करना केवल यही चीज़ है। कोई मूल मंत्र दिया है? यही मूल मंत्र है चुनाव की तैयारी अपने अपने क्षेत्र में जा करके जो भारत सरकार की उपलब्धियाँ हैं जो आदरणीय मोदी जी ने जो लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से मदद किया है संकट काल में मदद किया है तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मार्गदर्शन किया है माननीय प्रधानमंत्री। पारिवारिक बैठक थी बढ़िया बैठक थी हमारे परिवार के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक उत्साहपूर्ण ढंग से पारिवारिक वातावरण में चर्चा हुई हम लोगों ने भोजन किया बस और क्या सर पहली बैठक लक्ष्य वो तो है ही लक्ष्य तो है ही वही लक्ष्य है 350 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतेंगे। इस प्रकार से इस देश में दो ही विचारधारा एक विचारधारा हमारे साथ और एक कांग्रेस के बीच में ही जिस प्रकार से है कांग्रेस ने एक यूपीए का जो निर्माण किया था उस यूपीए को उन्होंने समाप्त कर दिया इसलिए कि वो खुद जानते हैं कि यूपीए के भ्रष्टाचार उसका पर्याय बन गया था तो इसलिए उसका नाम अब INDIA कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन प्राप्त हुआ है कि हम लोगों को लगातार क्षेत्र में बने रहना चाहिए हम सब निरंतर उसी तरह से कार्य क्षेत्र में करेंगे और 24 में पुनः मोदी जी की सरकार हम सब बनवाए। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुणे गस्त पुणे मेट्रोर कार्य शेष होता सेक्शन गुड़िकर उद्घाटन पर मेट्रो ट्रेन गुड़ी पताका देखा चलाचल शुभारंभ करेंगे पूर्वाह्न प्राय 11 समय प्रधानमंत्री दागदुसेठ मंदिर रे दर्शन एवं पूजार्चना करेंगे पर पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक जातीय पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम रही पूर्वाह्न 12:45 प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन गुड़ी पताका देखा चलाचल आरंभ करेंगे और विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे यह प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन प्रधानमंत्री द्वारा 2016 होता पीएम वै अधीन निर्मित घरगुड़िकर हस्तांतर करने सहित बर्ज्यू शक्ति उत्पादन कारखाना उद्घाटन करेंगे।